उज्जैन नगर के राजा गजेंद्र जो मिठाई का बहुत शौकीन था। राजा के लिए मिठाई या राज्य के सबसे फेमस हलवाई के यहाँ से आती थी। रोज की तरह राजा एक दिन मिठाई खा रहा था, तभी उसने देखा कि उस मिठाई के डब्बे में एक मक्खी मरी हुई है। ये देखकर राजा को बहुत गुस्सा आ गया। सेनापति जी महाराज, यह मिठाई या कहां से आती है? महाराज, इस राज्य के मशहूर हलवाई दीनानाथ हलवाई के यहां से। उसे अभी दरबार में पेश करो। जी महाराज। सेनापति एक सिपाही को हलवाई के यहां भेजता है। दीनानाथ जी, राजा ने आपको अर्जेंट दरबार में बुलाया है। राजा का हुक्म सुनकर हलवाई भागा भागा राजा के दरबार में आता है। उजुर, आपने मुझे याद किया। सेनापति, इस हलवाई ने आज हमारा मिठाई खाने का मजा किरकिरा किया। इसके मिठाई में मरी हुई मक्खी मिली। यह हमारा गुनहगार है, इसे सजा मिलनी चाहिए। महाराज, मुझे माफ कर दीजिए, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। महाराज। सेनापति, इसे इस राज्य की सीमा के बाहर निकाल दो। राजा के आदेशानुसार हलवाई दीनानाथ को राज्य के बाहर निकाल दिया जाता है। बेचारे दीनानाथ के इतनी छोटी सी गलती जो उसने की नहीं, उसके लिए गुस्सेल राजा ने उसे इतनी बड़ी सजा दी। अब दीनानाथ का क्या होगा? बेचारा कहाँ जाएगा? सालों की वफादारी करने पर राजा को ऐसा नहीं करना चाहिए था। मैं बोल तो रहा हूँ, लेकिन मेरी बातें राजा का सैनिक तो नहीं सुन रहा, नहीं तो मुझे भी दरबार में आने का बुलावा आएगा। आप कहीं मत जाइए, आगे की कहानी देखे, आगे और भी मजा आने वाला है। काफी समय बीत गया। एक दिन राजा अपने सैनिकों के साथ शिकार के लिए जंगल में प्रवेश करता तो लुटेरे उनके ऊपर हमला कर देते हैं। राजा के सारे सैनिकों को मार डालते हैं। राजा किसी प्रकार से अपनी जान बचाकर वहां से भाग निकला और दूसरे राज्य की सीमा में पहुंच गया। मेरे सारे सैनिक मारे गए, अब अंधेरा भी होने वाला है। कुछ ही देर में अंधेरा हो गया। मुझे रात भर जंगल में ही रुकना पड़ेगा, कल सुबह ही कुछ हो सकता है। सुबह होने का इंतजार करते हुए सारी रात जंगल में बिताई। सुबह होने पर राजा उस राज्य में जाकर लोगों से मदद मांगने लगा। भाई साहब, मुझे बहुत प्यास लगी है, कोई मुझे थोड़ा सा पानी दे दो। पर दूसरे राज्य के लोग राजा को भिखारी समझकर उसके तरफ ध्यान नहीं देते थे। राजा भूख प्यास से तड़पता वहीं पर बैठा रहा, लोगों को आवाज देता था, पर लोग उसके ऊपर ध्यान नहीं देते थे। राजा तड़पता वहीं पर सो गया। कुछ समय बाद एक इंसान राजा के पास आकर बोला, महाराज, आप यहाँ इस हालात में? कौन हो भाई आप? महाराज, मैं दीनानाथ हलवाई, आपके लिए मिठाइयाँ बनाता था। हाँ, याद आया। महाराज, अभी आप मेरे घर पर चलिए, वहीं पर बातें करेंगे। दीनानाथ राजा को अपने घर लेकर आता है। आप तैयार हो जाइए, मैं आपके लिए ताजी मिठाइयाँ लाता हूँ। लीजिए महाराज, आपकी पसंद की मिठाइयाँ, आराम से खाइए। दो दिन से भूखे राजा ने पेट भरकर मिठाई खाई। बोलिए महाराज, आप इस राज्य में कैसे आए और ऐसी हालत की हो गई? और राजा ने उसे सारी हकीकत बताई। मैं अपने सैनिकों के साथ जंगल में शिकार के लिए आया था कि अचानक कुछ लुटेरे आए, मेरे सारे सैनिकों को मारकर मेरे सारे आभूषण छीन लिए। मैं कैसे तैसे वहाँ से जान बचाकर भागा। वो लुटेरे काफी दूर तक मेरा पीछा करते रहे, मैं कब इस राज्य की सीमा में पहुँच गया मुझे पता ही नहीं चला। अंधेरा हो गया था, मैंने पूरी रात जंगल में बिताई। सुबह गांव के लोगों को मदद मांगी, पर मुझे भिखारी समझकर कोई भी मेरी मदद नहीं कर रहा था। पर तुमने मुझे पहचान लिया और मेरी मदद की,
महाराज, मैं आपको आपके राज्य में भेजने का इंतजाम करता हूँ। मैंने तेरे साथ इतना घटिया बर्ताव किया, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। अब तुम मेरे साथ वापस अपने राज्य में चलो। नहीं महाराज, इस राज्य में मेरा बहुत नाम है, मेरी मिठाई या संपूर्ण राज्य में प्रसिद्ध है। यहाँ आकर मैं काफी समृद्ध हो गया। अगर उस दिन मेरी गलती के कारण मुझे राज्य से निकाला नहीं होता तो शायद ही मुझे यह सब मिला होता और मैं आपकी मदद नहीं कर पाता और तुम वैसे ही भूखे प्यासे मर जाते। शायद जो भी हुआ वो सब अच्छे के लिए ही हुआ। दीनानाथ राजा को उनके राज्य के सीमा तक पहुंचा देता। कहानी का तात्पर्य, आपके साथ अगर कुछ गलत होता है तो उसका पछतावा ना करो और बोलो, जो भी होता है अच्छे के लिए होता है।